काफी मैन्युअली ऑपरेटेड बना रहे हैं, ताकि इसमें हमारा दो पर्पस इसमें पॉसिबल हो सके। पहला पर्पस है हमारा, इसमें हमारा जो हम मेहनत करते हैं, जॉगिंग करते हैं, वो पूरा एनर्जी हम चल के लगाते हैं, तो इसमें हम क्या करते हैं, हमारा जॉगिंग भी हो रहा है और उस जॉगिंग के साथ हमारा जो हम कपड़े धोने का जो काम प्रोसेसिंग काम कर रहे हैं, ये इसके मार्फत कर रहे हैं। इस प्रोजेक्ट का नाम है पैडल ऑपरेटेड वॉशिंग मशीन। इसका स्टेट प्रोसीजर बता दिया जाए तो एक सिंपल सा हमने कंस्ट्रक्शन इसका किया है, और ये जो है खेड़े गांव में जो है, ये विलेज में जो है, बहुत सारा काम नॉन एजुकेटेड पीपल को रहते हैं, खेती के काम रहते हैं, बाकी काम रहते हैं, तो उनको ये काम करने के लिए और उनके पास कोई जॉगिंग करने के लिए कुछ टाइम नहीं मिल पाता है, तो ये जॉगिंग हेल्थ इशू के लिए भी बहुत इजी हो जाता है काम। दूसरा काम ऐसा है कि इसमें हमने 15 से 20 मिनट में हम कपड़े धो के कपड़े सुखा सकते हैं, ऐसा एक मशीन बनाया है हमारे विद्यार्थियों ने मिलके मेरे गाइडेंस के अंडर में। तो इसका स्ट्रेस्ट प्रोसीजर जो रहने वाला है, वो एक्सप्लेन करने वाला है हमारा एक ग्रुप लीडर्स प्रज्वल कोमड़े। ये आपको पूरी तरह से इस मशीन कैसी फैब्रिकेट की है और इसका वर्किंग कैसा है रहेगा, ये सब बताने वाला है। आया मैं हैंड ओवर करता हूँ उनकी तरफ प्रज्वल कोमड़े के, कि वो पूरा आपको प्रोसीजर बता। देखिए, हमने पहले इसका कंस्ट्रक्शन कर लिया, इसको इसमें कंस्ट्रक्शन पार्ट में हमने जो जो काम किए हैं इसके ऊपर कंस्ट्रक्शन में पार्ट जोड़े हैं, वो इस तरह से जुड़े हैं कि पहले हमने एक फ्रेम लिए है जो रेक्टेंगल फ्रेम है, उसको हमने उसके ऊपर माउंट किया। हमने ये बड़ा वाला स्प्रॉकेट जो हमने साइकिल से बाइसिकल से लिए वाला स्प्रॉकेट है, वो स्प्रॉकेट के साथ हमने उसको हम पैडल लगाया है, और इस बड़े स्प्रॉकेट के ऊपर हमने चेन माउंट किया है, जिसका स्प्रॉकेट के टीथ जो है वो 44 टीथ है, और ये बड़ा स्प्रॉकेट का पावर जो है वो छोटे स्प्रॉकेट के ऊपर जा रहा है, ताकि ये जो पैडल है, जैसे हमने उसको पैडल पे फोर्स अप्लाई करेंगे तो नेचुरल ये बड़ा स्प्रॉकेट घूमेगा, और ये पावर चेन के मार्फत छोटे स्प्रॉकेट की तरफ जाएगा, और ये छोटे स्प्रॉकेट जैसा घूमेगा, इसके ऊपर हमने इस एक पुल्ली माउंट किया है। उस पुल्ली का डायमीटर कितनी है, डायमीटर तो 340 mm का उसका डायमीटर है। इस डायमीटर्स को वाली पुल्ली के ऊपर हमने वी बेल्ट माउंट किया है, और जैसे हमने इससे रोटरी एफर्ट लगाया, पैर से हमने जैसे इसको रोटेट किए, ये पावर जो है पुल्ली की तरफ जाएगा और पुल्ली रोटेट होगा, और ये पुल्ली का पावर बेल्ट के मार्फत हम छोटे पुल्ली को दे रहे हैं, और छोटी पुल्ली रोटेट हो रही है, और इस छोटे पुल्ली के से हमने एक शाफ्ट निकाला है जो हॉरिजॉन्टल शाफ्ट है, और इस शाफ्ट के ऊपर हमने जो है एक ड्यूल गियर्स अरेंजमेंट किए है। आप देख सकते हैं वीडियो में, यहाँ पे हमने ड्यूल गियर अरेंजमेंट किए है। इस ड्यूल गियर जो है हमने पावर ट्रांसमिट कर रहा है बड़े बड़े वाले ड्यूल गियर्स के ऊपर, जिसका हमने गियर रेशियो नियर अबाउट 1:1 का लिया है। एक 1:1 का गियर रेशियो की वजह से जो पावर यहाँ पे मिल रहा है, सेम पावर हमें यहाँ मिलेगा, और यहाँ पे इस गियर का अरेंजमेंट हमने जो वॉशिंग मशीन है जिसे हमको कपड़े धोना है, उसके शाफ्ट के साथ हमने उसको अरेंजमेंट किया है। मतलब जो पावर हमारे को बाय द यहाँ पे जैसे मेरा पेडलिंग स्टार्ट करता है, वैसे पावर चेन ड्राइव टू बेल्ट ड्राइव अंदर गियर के मार्फत प्रोपेलर में ट्रांसफीड होता है। जैसे प्रोपेलर शाफ्ट घूमने लगता है, वैसे कपड़े वॉश होना चालू। जैसा कि आप देख रहे हैं, अभी पूरा ड्रम घूम रहा है, और ये ड्रम पूरा घूमने के कारण पूरा पानी बाहर निकल रहा है, और ये ड्राई होने में कम से कम 10 मिनट लग जाते हैं। देख सकते हैं कि हमने ये ड्रायर वगैरह किस तरह से लगाया है। जैसे हमने स्प्रिंग को खींचते हैं, वो एंगेज लीवर रिवर्स डायरेक्शन में घूमना चालू हो जाता है। वैसे छोड़ दिया पानी बन जाएगा, अगर उसको हमने छोड़ दिया है तो ये एंगेज हो जाएगा, और हमारा फिर वॉशिंग करना चालू हो जाएगा। जैसे हमको उसको सुखाना है, तो पानी को बाहर निकालने के लिए हमने उसको लीवर स्प्रिंग को एक्सटेंड करते हैं, खींचते हैं हम, उसकी वजह से वो लीवर डिसएंगेज हो जाता है और पानी बाहर निकल आता है। जैसा आप देख सकते हैं, ड्राई प्रोसेस चालू हो चुकी है, और उसमें कम से कम ये स्प्रिंग एंगेज होने के कारण ये ड्रम पूरा रोटेट हो रहा है। ये ड्रम कम से कम 800 आरपीएम में रोटेट हो रहा है, जिस कारण से पूरा पानी है वो बाहर निकल जा रहा है।